रुको वहीं पर दोस्तों, हम तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। अब मैं थक गई हूँ। और मैं भी, लग रहा है कि हम 2 घंटे से भाग रहे हैं। 2 घंटे? क्या हमें सच में 2 घंटे हो गए हैं? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे 5 बजे तक घर पर होना था। क्या 5 बज चुके हैं? मुझे लग रहा है कि 10 बज रहे हैं। 10? ओह गॉड, मुझे जल्दी जाना होगा। आराम से, 10 तो नहीं बजे हैं। 1 सेकंड रुको, मुझे लगता है कि ये 1, नहीं 2, नहीं 3, 4, हाँ ये 7 बजे हैं। नहीं, देखो 8 बजे हैं। तो क्या अब 9 बजे हैं? समय इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है? मेरी माँ मेरी चिंता करेगी। शांत हो जाओ एली, मुझे यकीन है हम सभी इसे गलत बोल रहे हैं। पर अब हम क्या करें? दोस्तों लगता है कि अभी गले मिलने का समय है। एक घड़ी में 2 हाथ होते हैं, छोटा हाथ जो घंटे का है और लंबा हाथ जो मिनट का है। समय देखने के लिए हम हमेशा पहले घंटे के हाथ पर ध्यान देते हैं। तो अब समय क्या है? ये 3 बज रहे हैं। आइए देखते हैं कि अब क्या समय है। सही है, ये 6 बज रहे हैं। क्या आप फिर से कोशिश करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये 9 बज रहे हैं। तो अगर बड़ा हाथ 12 पर है तो हम छोटे हाथ पर ध्यान देते हैं और सही समय बताते हैं। एली, चलो पढ़ते हैं। देखो बड़ा हाथ 12 पर है और छोटा हाथ 4 पे है। तो क्या ये 4 बज रहे हैं? बिल्कुल 4 बज रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास अभी भी है 1 घंटा। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ चिंता ये है कि हम तुम्हें पकड़े और खेल जीते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमें इस तरफ जाना है। यहाँ देखो, पहले बाएं मुड़ना है और फिर दाएं। तो यही तो बाएं है। बाएं, दाएं। नो, ये रास्ता सही है, ये रास्ता बाएं है। ये दाएं और बाएं कितना कंफ्यूजिंग है। क्या हम कभी पहाड़ पर पहुंच पाएंगे? मुझे पता है बाएं क्या है। जो भी मेरे ऊपर भरोसा करता है मेरे साथ चलो। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, I'm sorry। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ कड़ल की जरूरत है। खाओ, खावीस खाओ। दोनों हाथों से स्टिक करो। जबकि आप दूसरी ओर इशारा कर रहे हो, अपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर करो। एक हाथ को बड़ा एल बनाओ। एल का मतलब है बाएं और दूसरा हाथ दाएं है। वाओ, ये तो बहुत ही आसान है। अरे वाह, एल मतलब बाएं। और जो एल नहीं है वो सही है। सही, तो फिर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? पहले बाएं मुड़ो, फिर दाएं और फिर से बाएं। चलो चलते हैं।
बार हमने फिर से कर लिया। इसलिए मुझे गले मिलना पसंद है। क्या हम पिकनिक के लिए तैयार हैं? हाँ। क्या ये दो नैपकिन्स हैं या फिर टेबल मैट है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे ये लेने दो। ओहो, माफ कीजिए। मेरी पीने की ड्रिंक व्यर्थ ना जाए। इयू, ये आवाज़ें मत निकालो। दोस्तों, क्या हम शुरू कर सकते हैं? मैं बहुत भूखी हूँ। रुको एली, अभी थोड़ा वक्त है। हम बस सब कुछ खराब कर रहे हैं। पर हमें पता नहीं इन सब चीजों का क्या करना है। ये बात नहीं है कि हम सब कुछ बिगाड़ दे। मैं सहमत हूँ दोस्तों, मुझे माफ कर दो। हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर कुछ आता नहीं है तो हम हमेशा सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कदल का टाइम है। खाओ खाबीज खाओ। एक अच्छा भोजन साफ हाथों से शुरू होता है। टेबल मैट प्लेट के नीचे और नैपकिन घुटनों पर रखें। सीधे बैठें, बहुत ज्यादा हिले नहीं। आप रोटी को हाथों से खा सकते हैं, लेकिन छोटे आइटम्स के लिए चम्मच या कांटे का उपयोग करें। जो खाना आपके पास नहीं है उसे आप अपने मित्रों से मांग सकते हैं। क्या मैं, कृपया और धन्यवाद के शब्दों का उपयोग करें। खाने या पीने के दौरान शोर न करें। खाने के बाद अपने कटलरी को प्लेट में रखें। अब जब आपने सीख लिया है तो आपको शुभकामनाएं। तो चलिए अभी खाना शुरू करते हैं। मैट थाली के नीचे, लैब पर नैपकिन। मैं जब कोई बात कर रहा हो उनके बीच में मत बोलो। खाओ और पियो, वो भी बिना किसी शोर के। मुंह भर के खाने से तुम चबा नहीं पाओगे। क्या मुझे कुछ जूस मिल सकता है? हाँ। धन्यवाद।